रफ्तार न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बरेली के मीरगंज ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र मीरगंज की बैठक हुई। बैठक का शुभ आरंभ दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र में पुष्प अर्पित किया। जिला महामंत्री वीरेंद्र गंगवार बीरू एवं सह संयोजक पुष्पेंद्र शर्मा ने बैठक ली, जिसमें कार्यक्रम के बारे में बताया गया। मेरा परिवार भाजपा परिवार जो कार्यक्रम 12 फरवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है, कमल संदेश बाइक रैली जो 2 मार्च को निकलेंगी, 26 फरवरी को लाभार्थी संपर्क करना है, उनके घर दीप जलाकर बताना है। पहले जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा की गई। पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया हमारी विजय संकल्प रैली जो निकलेगी वह हर सेक्टर को छूकर निकले। कई मीरगंज से शुरू होकर धनेटा शाही होते हुए फतेहगंज पश्चिमी पहुंचेगी। बूथ से कार्यकर्ता आएगा तो लगभग हम जो संदेश देने की बात कर रहे हैं वो बताने का काम करेगा। इसके पीछे का हेतु क्या है? इसके पीछे का हेतु ये है कि जब वो कार्यकर्ता अपने बूथ से चल के आएगा, जो विराट स्वरूप देखेगा, तो वो अपने बूथ पर लगातार 2 दिन चिंता कर बात करने वाला है, चर्चा करने वाला है कि आज मोटरसाइकिल मिलेगा। मुझे उम्मीद भी थी कि आज लगभग और 2000 मोटरसाइकिल इकट्ठी जो होंगी उसका स्वरूप लगभग 4 से 5 हजार मोटरसाइकिल एक लंबा सा स्वरूप निकल के आएगा। उस विराट स्वरूप को दिखाने के लिए पार्टी, उस कार्यकर्ता को मजबूत बनाने के लिए कि हम किस परिवार किस संगठन से जुड़े हैं, उसको स्वरूप के लिए 2 मार्च की रैली का हम लोगों ने किया है। इसमें मेरा एक निवेदन यह है कि जो स्थान है जहां से इसका प्रारंभ होगा मिर्जापुर से, वहां पर एक मंच बनेगा। उस मंच पर हमारे जो अधिकारी होंगे जो उसकी शुभारंभ करेंगे वो, और उस बूथ पर कुल कितने मतदाता हैं ये भी हम उस पर लिखे अपनी डायरी में, क्योंकि अब जो इस प्रकार की बैठक होगी उसमें पूछताछ भी बहुत होगी, और पूछताछ का जो जवाब अगर आपने डायरी मेंटेन किया तो तुरंत सटीक जवाब आप लोग दोगे, और फिर सामने जो लोग बैठे होंगे उनको भी लगेगा हाँ ये सेक्टर संयोजक ये सेक्टर के प्रभारी ठीक काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर के संयोजक सेक्टर के प्रभारी डायरी मेंटेन कराए, डायरी में उनके सेक्टर में जितने बूथ हैं सारे बूथ अंकित रहने चाहिए, उस बूथ पर कौन बूथ अध्यक्ष है उनका नाम टेलीफोन रहना चाहिए, उस बूथ पर कौन 10-15 प्रमुख लोग हैं, उस गांव के प्रधान कौन, बूथ प्रधान कौन, हारे हुए प्रधान कौन, और जो महत्वपूर्ण लोग हैं उसके, हमारे पार्टी के जो 5-7-10 कार्यकर्ता है जो आपकी बूथ की समिति है वो अगर आपने लिखी है बूथ के अनुसार, तो फिर ये जो पार्टी ने जो हमें लक्ष्य दिया है और मुलायम सिंह यादव जी ने जो अपना भावना व्यक्त करी है उसमें हम लोग मित्रों चुनाव कठिन है और